नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सबको पसंद आती हैं और आप उसको शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और लाइक भी करते हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन जो है वो प्रेस करें तुरंत सब्सक्राइब करने का और लाइक तुरंत करें वीडियो को, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके लिए लगातार देता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को वाइडली रूप से पूरा यूट्यूब पे घूमेगा और ज़्यादातर लोगों को पहुँच पाएगा। और जब आप ये चीज़ें पहुँच पाएंगे तो ये समाज से हटेंगे और ये बुराई जो है, जो ब्लैक मेलिंग है, उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप इतना काम तो कर ही सकते हैं ना, नीचे दिए हुए बटन पर रेड कलर का जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें और लाइक कर दें। कोई मन में आपके कमेंट हो, कहना हो आपको, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं सर। चलिए बहरहाल आज हम बात करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे वैसे फ़ोन आते हैं और उनमें से किसी एक के बारे में आपको बताता हूँ डेली। और ऐसे ही आज की एक कहानी है, स्टोरी है, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर बार बार वो मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूँगा कि किस तरीके से इस डर को आप बाहर निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को रुकवा सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बहरहाल इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़कर डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट करें हमें, क्योंकि ये काम हम लगातार करते जाएंगे। जब आपका हमें सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम लगातार इस तरीके के काम जो है वो करते रहेंगे। तो ये एक मोटिवेशनल एक वीडियो है, इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से आपको डर लगना बंद हो जाएगा और अगर आप डर से लड़ेंगे तो आने वाले समय में आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर तो करते रहें आप और सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, कृपया। तो आज हम वीडियो की बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो के बारे में, जो जिस पॉइंट पर मेरी आज वीडियो है उसी पर। कल शाम को मेरे पास एक फ़ोन आया, उसमें उन्होंने कहा कि सर मेरी वीडियो जो है उन्होंने कैप्चर कर ली है और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, कि जैसे मेरा पता ना मुझे मेरी बुद्धि को क्या हो गया, जैसे उसने कहा वैसे मैं करता चला गया। और जिस लड़की का नाम मैंने बताया, अंजलि नाम बताया उन्होंने कि सर अंजलि नाम था उस लड़की का और उसने मुझे इस तरीके के, पहले मुझे सीधे मुझे कोई आपने बताया, कई उन्होंने बताया था कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, एक नहीं देखी, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपकी देखी और देखने के बाद मुझे लगा कि आप मेरी मदद कर सकते हो, तब मैंने आपको फ़ोन किया सर, तो आप मेरी मदद करें कृपया। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो उन्होंने बताया कि सर मेरे पास सीधे व्हाट्सएप से एक हाय आया, इस तरीके से हाय। तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं था, जैसे आप बताते हैं फेसबुक से आपके पास रिक्वेस्ट आएगी और आप मैसेंजर पर चैट होगी, फिर वहाँ से व्हाट्सअप नंबर शेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ में। मेरे साथ में सिर्फ ऐसा हुआ था कि मेरे पास व्हाट्सअप पर सीधे एक नंबर से, अननोन नंबर से हाय आया, लिखा हुआ आया। मैंने भी देखा तो मैंने भी हेलो कर दिया, मैंने कहा आप कौन, तो उसने नाम बताया, मेरा अंजलि शर्मा नाम है। और उसके बाद उन्होंने, जब मैंने अंजलि शर्मा देखा तो मैंने भी हाय हेलो स्टार्ट कर दिया, मुझे भी ये चीज़ पता नहीं था कि इस तरीके हो जाएगा। बहुत देर बात करते करते हो गई, तो काफ़ी उनसे बताया कि फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ मैं आपके साथ में और मुझे बहुत अच्छा लगते हो आप, और ये है वो, पता ना कौन कौन सी बातें जो प्यार मोहब्बत वाली बात होती हैं, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। उसने घंटा दो घंटे लगभग उसको हो गए बात करते करते, फिर उसने लास्ट फाइनली ये कहा कि रोमांटिक बात करना चाहोगे आप, वीडियो कॉल करना चाहोगे। तो मैंने पहले तो सोचा एकदम से वीडियो कॉल कैसे, फिर बहरहाल जब उसने कहा तो मैंने भी सोचा कि ऐसी कोई बात होगी ही नहीं जो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसने कहा मैंने कहा ठीक है, उधर से वीडियो कॉल आया। वीडियो कॉल आने के बाद वही जो आपने फ़ोटो दिखाई है, आपकी वीडियो मैंने देखी, एक फ़ोटो लगी हुई लड़की की, वही फ़ोटो, वही वीडियो वो स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट होने के बाद पीछे से आवाज़ आने लगी कि आप थोड़ा सा कपड़े उतारिए, आप थोड़ा साइड में जाइए, आप अपना प्राइवेट पार्ट दिखाइए। और इतना सब कुछ होने के बाद मैंने भी जैसे वो कहती गई, मतलब उस टाइम तो ये पता लग रहा है कि वो लड़की है, लेकिन बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ जब आपने वीडियो देखी, मैंने आपकी वीडियो देखी, वो लड़की नहीं लड़का होता है। तो अब उन्होंने मेरी वीडियो कैप्चर कर ली सर और अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सर, मुझे बचा लो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए पहली बार होगी लेकिन मेरे लिए रोज़ होती है और मेरे पास इस तरीके की कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें जो है वो मेरे पास रोज़ आती हैं
और मैं लोगों की मदद भी करता हूँ और आपकी भी मदद करूँगा। और आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको इस ब्लैकमेलिंग से कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाले टाइम में आप हमेशा के लिए सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने कहा, सर बताइए किस तरीके करना है, मुझे क्या करना है। तो मैंने उनको समाधान बताया और जिस तरीके से चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, मैं आपको भी बताता हूँ किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ़ रह सकते हैं खुद को। अगर आपके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग की घटना, यानी कि कोई भी न्यूड वीडियो आपकी बना लेता है और आपको बाद में फिर उसके बाद धमकी देता है कि अपलोड या डिलीट इस तरीके की, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर अपना कॉन्शियस माइंड जो है वो लगाएं, आपसे पैसा मांगा जाएगा, हर हालात में आपसे पैसा मांगा जाता है। आप पैसा बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी ना दें, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि गलती आपसे बाद में करते हैं वो। पहला किस तरीके करते हैं, पहले आपसे ये करते हैं कि बिल्कुल आपको ऐसा विश्वास दिला देंगे कि आप मुझे 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए या 2100 या 2150 इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2100 आपने दिए, उसके बाद अगला व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा 5000 के लिए, 5000 आपने दिए, अगला फ़ोन करेगा आपके लिए 10000 या 20000 के लिए, अगला व्यक्ति और, मतलब कि जो डिमांड है उनकी वो किसी भी प्रकार से ख़त्म नहीं होने वाली है और ये डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। आप पैसा देते जाओगे, इतनी अति हो जाएगी कि आपके पास अगर अरबों खरबों रुपए भी अगर हो ना आपके पास, तो आप वो भी लुटा दें उस पर ना, तब भी व्यक्ति की उसकी भूख ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है, इसको रोकने के लिए आप उसके लिए 1 रुपया भी नहीं दें, क्योंकि जितना आप पैसा दोगे उतना ही उसका मतलब है कि आप दलदल में घुस रहे हैं। अपनी कमाई हुई संपत्ति, पूंजी जो आपने वर्षों से जोड़ रखी है, वो सब ख़त्म कर देंगे चंद सेकंडों में, जिसका कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए आप ये भी नहीं कह सकते सर कि मेरे साथ में ठगी हुई है, मुझसे पैसा ज़बरदस्ती ले लिया गया है, आपने खुद अपनी मर्जी से पैसा दिया है, ये भी चीज़ें होती हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा ब्लैक मेलर के लिए वीडियो के नाम पर बिल्कुल ना दें, बिल्कुल दूर रहें, आप पैसा एक भी ना दें। अगर आपने पैसा दे दिया है, गलती कर दी है, तो आप दिए हुए नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपको और बेस्ट एडवाइस कर सकें और आपको ये बता सकें किस तरीके से इन चीज़ों से निपट सकते हैं आप। तो जब आपको इस तरीके की वीडियो हो जाती है, अगर आप ब्लैक मेल में किसी में फंस जाते हैं और आपकी वीडियो बन जाती है और आप उसके बाद फिर आपको धमकी मिलती है वायरल करने की, और वो टाइम भी देते हैं, आपको धमकी देंगे कि अगर मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तूने पैसे नहीं दिया, तो आप क्या करते हैं, आप बचने के लिए बहाने मारते हैं, आप झूठ बोलते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर वो पूछते हैं कब पैसा आएगा तब तुम्हारे पास, तो क्या मेरे पास 2 दिन में पैसा आ जाएगा, ठीक है जल्दी करो फटाफट, मैं 2 दिन बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो तुम्हें वो टाइम भी दे दिया जाता है कि 2 दिन बाद। अब आपको 2 दिन तक वो ना ही तो आपको नींद आने वाली, ना आपको खाना खा पाएंगे, ना आप चैन से सो पाएंगे, ना चैन से रह पाएंगे। आपके 24 घंटा दिमाग में वही चीज़ रहेंगी जो आपके साथ हो चुकी हैं। और पता नहीं आपको ये भी माइंड में रहेगा कि पता ना मेरे वीडियो वगैरह कहीं पर अपलोड ना कर दे मेरे परिवार को, क्योंकि आज के समय ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति इंटरनेट पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, हर व्यक्ति है, सभी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। तो घबराहट इतनी हो जाती है और होने वाली बात भी है, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें पहुंच जाती हैं उसके पास में, जो कि समाज में किसी व्यक्ति को वो देखेगा तो वो ये नहीं देखेगा ये चीज़ चल रही है, ये गलती से इनसे हुआ है, उसका जो माइंड है ना वो यही लगेगा कि बताओ कितना गंदा आदमी है, कितना गलत है। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में रह जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए, इन्हीं चीज़ों को से निपटने के लिए बताता हूँ आपके लिए कि अगर आपके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग अगर हो जाती है, यानी कि आपकी वीडियो न्यूड वीडियो कैप्चर कर ली जाती है जिसमें कि आपका प्राइवेट पार्ट भी आता है, आपका फेस भी आ जाता है, या किसी और प्रकार से आप उसमें फंस जाते हैं, तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखें, एक नहीं 100 वीडियो देखें, बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपको कहीं पर सॉल्यूशन इसका नहीं मिलता है, दिक्कत आपको परेशानी आती है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर सीधे संपर्क करें, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जहां पर भी कोई दिक्कत आती है आप सीधे हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको इस चीज़ से निपटने के लिए, देखिए सबसे बड़ी इन चीज़ों में बताता हूँ आपके लिए, कुछ दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये बताइए ना आप किस तरीके से हम निकल सकते हैं, तो सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये भी है कि मैं आपको काउंसिल करूँ। काउंसिल समझते हैं ना, एक स्वयं सोचना, स्वयं अपने आप दिमाग को बनाना, एक दूसरे के द्वारा बताना, दोनों में अंतर है। मोटिवेशनल जो काम आता है ना वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस समय पर आपका मस्तिष्क आपकी बात मानता ही नहीं है। आपको आपका मस्तिष्क आपकी बात मानेगा, मानने की छोड़ो, आपको समझा ही नहीं सकता कि अब मुझे करना क्या है। उस समय पर आप अपने दिमाग ना लगाकर हमारी वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ
हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग 8 to 8 है, सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक। ये नहीं है कि किसी भी टाइम फ़ोन आया, रात को 2 बजे फ़ोन कर दिया, 1 बजे फ़ोन कर दिया, 12 बजे फ़ोन कर दिया, तो ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊंगा, फिर दिन में आप करेंगे तो डेफिनेटली रिसीव कर लूँगा। और किसी का नंबर अगर व्यस्त जा रहा है, भी जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो पुनः प्रयास करें, उसका नंबर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसे हालात आपके अगर आपके हो जाते हैं कि आपकी वीडियो बन जाती है और आपको डर लग रहा है, तो डरें ना, घबराएं ना, आप कानूनी रास्ता को अपनाएं। आप किसी भी प्रकार से उस ब्लैक मेलर को पैसा देने की गलती बिल्कुल ना करें, और उस व्यक्ति को जितना आप टाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब पता नहीं मुझे आने वाले टाइम में मेरी वीडियो कहीं अपलोड ना कर दीजिए, तो उस व्यक्ति को जितना आप टाल सकते हैं, टाल का मतलब डिले कर सकते हैं, तो डिले करें, लंबा समय खींचें उसके लिए, लेकिन उसको पैसे देने की बिल्कुल ना सोचें। और जैसे ही अगर आपने फ़ोन हमें किया या हमारी वीडियो देखी, तो 100% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ब्लैक मेलिंग एक ऐसा घिनौना दलदल है जिसमें अगर आप फंस गए तो बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप फंस गए तो फंस ही गए, निकल भी जाएंगे आप। और ये भी नहीं सोचना कभी भी गलत माइंड दिमाग में, क्योंकि ऐसी चीज़ों में फंसने के बाद आपके मन में सुसाइड का ख्याल आता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी मत सोचना। जब आपको लग रहा हो कि इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, तो आप सीधे नंबर पर फ़ोन करें, ताकि मैं आपको कुछ एडवाइस कर सकूँगा, कुछ मोटिवेट कर सकूँ, कुछ कन्विंस कर सकूँ आपके लिए, और कुछ आपके लिए मैं बता सकूँ कि ये रास्ता सही नहीं है। रास्ता है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ें, कानून से उसको मात दें, कानून से अपने आप को बचाएं, कानून से ही द्वारा अपने आप का एक प्रोटेक्शन लेकर आएँ, सुरक्षित रखें। उन सब चीज़ों से आप लड़ेंगे तो आप जीवन में जीत प्राप्त करेंगे। और अगर इस तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे या आप परेशान होकर इस तरीके के स्टेप आउट करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके की गलत आपको हरकतें या गलत चीज़ें आपके दिमाग में सोचनी भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ से निकलने का रास्ता सोचना चाहिए कि निकलने कैसे। और जहाँ आप फंस जाते हैं, तो हम आपके लिए, देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सेंसिटिव चीज़ें, जो आप अपने सगे परिवार में या अपने दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बता सकते हैं। तो जहाँ आप किसी को नहीं बता सकते, वहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद के लिए हैं। और जिसको भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो मैं खुले दिल से कहता हूँ इस बात के लिए कि आप सीधे नंबर पर दिए हुए नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और इन चीज़ों से आप घबराएं ना, सॉल्यूशन ढूंढें, समाधान ढूंढें। गलती हुई है तो गलती अगर हो जाती है आपसे, मुझे भी पता है कि गलती आपसे हुई नहीं है, आपसे करवाई गई है। गलती होना और गलती करवाना दोनों में अंतर होता है। लेकिन इस चीज़ के लिए करें क्या हम, आप भी सोच देखिए ना, करें क्या हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम आपके लिए कानूनी सलाह दे सकते हैं, हम आपके लिए कानूनी रास्ता बता सकते हैं, कानूनी चीज़ें हम बता सकते हैं। लेकिन जो गलती आपसे हो गई है, उस गलती का समाधान ये नहीं है कि आप किसी गलत स्टेप लें, कोई गलत चीज़ें आप करें। बस ये है कि आप कानून के रास्ते पर चलें, ताकि आने वाले समय में आप सेफ हो सकें, सुरक्षित हो सकें, और आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं ब्लैक मेलर को पैसा दे दूं, उसको पैसा देकर अपनी वीडियो डिलीट करा दूं या वीडियो ख़त्म करा दूं, बिल्कुल नहीं होगा सर, आप उस पर विश्वास ना करें। और अगर आप विश्वास आपने किया, तो आप अपने अपना जो मान सम्मान खोया है, वो तो खोया ही खोया है, लेकिन आपके साथ साथ में अपना पैसा पूंजी भी आप खो देंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, इनके खिलाफ चीज़ें जो, ताकि ये समाज में ये आगे और ना बढ़ सकें, इसके लिए आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, ताकि आप आने वाले टाइम में अपने आप को सुरक्षित कर सकें, और आने वाले समाज है जो, उसको भी आप सुरक्षित कर सकें। लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, तो सिर्फ हमें विश्वास करके फ़ोन करें। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है, आप ये सोचें कि हमारे साथ में ब्लैकमेलिंग पहले किसी ने कर ली, अब दोबारा हमारे साथ में आप ना कर लें, तो उन चीज़ों से आप सेफ रहें, सुरक्षित हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप संपर्क करें, तो हम पर विश्वास करके करें सर। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं हम पर, तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि आप हमें फ़ोन ना करें बिल्कुल, क्योंकि आपके सवालात हमें इरिटेट करते हैं। क्योंकि जब हम आपकी सोच कर देखिए, मेरी एक वीडियो नहीं है, मैंने 100 ये वीडियो बना रखी है, हमारा यूट्यूब चैनल है ये, और इस पर हम आप लोगों की मदद करने के लिए ही वीडियो डालते हैं, और आप लोगों की मदद के लिए ही हम आपका फ़ोन रिसीव करते हैं, और बाद में आप हमसे ही कुछ अलग तरीके से सवाल करने लगें, तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता है ना, कि जो व्यक्ति आपकी मदद के लिए है,
आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपको इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हैं, और आप उसी पर शक करें और उसी को सवालों के घेरे में डालें। तो ऐसे सवाल ना करके आप समझ जाएं कि आप जहां पर फ़ोन कर रहे हैं आप 100% आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आपकी द्वारा मेरी जो भी बात हुई है वो हमेशा सीक्रेट रहेगी, कभी भी किसी भी चीज़ किसी के बारे में मैं नहीं बताता हूं। और आप मेरी कोई वीडियो देख लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, लेकिन किसी का नाम लेकर किसी का जगह किसी के सब चीज़ें प्राइवेसी में लीक करूं, नहीं, बिल्कुल नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। तो आप ये चीज़ें दिमाग में हमेशा रखें कि जब भी आप हमें संपर्क करें तो आप कभी भी ये सोचें कि सर मेरा नाम या मेरा एड्रेस या मेरी जानकारी आप लीक कर देंगे कहीं पर ही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। आप मुझे कुछ भी भेज सकते हैं और कुछ भी मुझे बता सकते हैं, आप जो मन में आपके आती है, जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का आप बता सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप हमेशा सेफ हैं, सिक्योर हैं। दूसरा, जब भी फ़ोन करें तो आप हम पर विश्वास करें, विश्वास करके ही हमें फ़ोन करें। अगर विश्वास नहीं है तो फिर वही बात करूँगा कि आई रिक्वेस्ट यू डू नॉट कॉल मी। ओके सर, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।